हमारे देश में 86% छोटा किसान है, लघु और सीमांत। जो छोटी जोत का किसान है वह सब प्रकार की कृषि के क्षेत्र में लगने वाली सुविधाएं, यंत्र, उपकरण और उचित मूल्य प्राप्त करना, इन सब का उपयोग वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास रकबा छोटा है और निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। अगर वो बैंक से इत्यादि से ऋण ले कर निवेश कर भी ले तो उसके पास जोत इतनी छोटी है कि वो ट्रैक्टर लेके इतनी छोटी जोत में कैसे मुनाफे में आ पाएगा। इसलिए किसान बड़े लंबे समय से इस आवश्यकता को महसूस कर रहे थे कि छोटे मंझोले तमाम सारे किसान एक साथ किसी समूह के रूप में आएं। इससे पहले भी FPO के प्रयोग हुए हैं, नाबार्ड ने भी इस पर काम किया है, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ काम किया, हमारे NRM के माध्यम से भी कुछ समूह बने तो उसका प्रतिसाद अच्छा मिला। लेकिन स्कीम की निरंतरता नहीं थी और स्कीम के लिए स्पेसिफिक कोई प्रावधान आज तक भारत सरकार के बजट में नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आय दोगुनी करने की दृष्टि से जब विचार किया तो उन्हें लगा कि किसान को सभी प्रकार की सुविधाओं से जोड़ने के लिए उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए यह FPO बनाने की घोषणा बजट में की गई। फिर मंत्रिमंडल की बैठक में 10,000 FPO बनाएंगे इसके लिए निर्णय किया गया। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए, FPO को सहायता देने के लिए 6,600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। यह FPO इकट्ठा आएंगे, अपना आवश्यकता के अनुरूप थोक दामों पर फर्टिलाइज़र का खरीद कर सकेंगे, थोक दामों पर पेस्टिसाइड की खरीद कर सकेंगे, इकट्ठा सिंचाई करेंगे तो सिंचाई भी में भी पैसा कम लगेगा। कुल मिला के आमदनी बढ़ेगी और लागत कम होगी और ये कृषि उत्पाद संगठन अपने उत्पाद का प्रसंस्करण भी कर सकेंगे, उसकी पैकेजिंग भी कर सकेंगे, उसकी मार्केटिंग भी कर सकेंगे। जब 300, 400, 500 किसान एक साथ होंगे तभी उनके उत्पाद का तादाद इतनी होगी कि वो किसान रेल का उपयोग कर सकें, निर्यात करने के लिए किसान उड़ान का उपयोग कर सकें। इस दृष्टि से यह बहुत क्रांतिकारी कदम है और इसका लॉन्च कल प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट की धरती पर किया है। आने वाले कल में देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ाने में इसका बहुत योगदान होगा। मोदी सरकार के निर्णयों का अगर आप अध्ययन करोगे तो मुझे लगता है कि अनेक दृष्टियों से मोदी सरकार ने बहुत कुछ नया करने की कोशिश की। ट्रांसपेरेंसी की बात बहुत की जाती थी, योजनाओं में फंडिंग पहले भी हुआ करती थी लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकारें ही कहा करती थी कि केंद्र सरकार 100 रुपये भेजती है, 15 रुपये ही गांव में पहुंचते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव है, देश की 2.5 लाख पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया DBT के माध्यम से पहुंचना, 100% पैसा पहुंचना अपने आप में मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो PM किसान योजना के अंतर्गत 8,52,00,000 किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा पहुंचना, 1,53,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस का सिलेंडर उनके घर जाकर मुहैया कराना और KCC वितरण में किसानों को शिकायत रहती थी कि बैंक में जाते हैं लोग उनको तवज्जा नहीं देते। कल KCC के अभियान का भी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की और यह शुरुआत सिर्फ भाषण तक नहीं थी, कल
शुरुआत करते समय तक 66 लाख किसानों को के आवेदन केसीसी के लिए बैंकों को प्राप्त हुए। 42 लाख आवेदनों को उन्होंने सिद्धांता अपनी स्वीकृति प्रदान की और 25 लाख से अधिक किसानों को कल क्रेडिट कार्ड बांटने का काम किया और 31 मार्च तक लगभग 1 करोड़ किसानों तक हम पहुंच जाएं, इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। अगर 1 करोड़ का आंकड़ा पूरा होता है तो लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक पैसा बैंकों से निकलकर किसान की जेब में जाएगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बाज़ार की स्थिति भी ठीक होगी। मुझे लगता है कि प्रेस और विद्वजनों को इसका विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।